रेडियो भारत की प्रस्तुति कुछ प्रमुख राष्ट्र खबरों की। फतेहपुर पंचायत मुख्यालय में हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त सहित जिले के आला अधिकारी हुए शामिल। बागमरा विधायक डुल्लू महतो के पुलिसिया कार्यवाही पर बिरमो के कांग्रेस के युवा नेता कांग्रेस नेता कुमार जयमंगल ने कहा कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तभी आज वो गिरफ्तारी करने पहुंची थी। पूरे दल बल के साथ पुलिस अपना कार्यवाही कर रही है। दुमका के मुफस्सिल थाने में एसडीओपी समद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बादा पाथर गांव से सटे जंगल में एक अज्ञात महिला का शव दिनांक 14 फरवरी 2020 को पाया गया था। मोटर व्हीकल विभाग द्वारा पुलकार को लेकर चलाया विशेष अभियान। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईंटखोरी महोत्सव में पहुंचे और मुख्यमंत्री जी ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया। सुबह की शुरुआत से शाम की चाय तक सबकी पहली पसंद मदर चॉइस, क्योंकि जीरा बिस्किट दे हमें चुस्ती और रस्क दे क्रंची मस्ती। आई लव मदर चॉइस। कुंडहित के थानेदार और एएसआई के विरुद्ध भाजपाइयों ने खोला मोर्चा, दिया धरना। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों ने खुलकर अपनी शिकायतों से जिला प्रशासन को अवगत कराया। डोमचांच विविध गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज मायका नगरी की सांस्कृतिक छटा कला कौशल संस्कृति एवं छुपी प्रतिभाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य आयोजित 2 दिवसीय मायका महोत्सव का आज समापन हो गया है। बालूमाथ के चमातू कोल साइडिंग में चला वाहन चेकिंग अभियान। मरकचो प्रखंड मुख्यालय से सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय खेल मैदान में अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन कोडरमा झारखंड के तत्वाधान में बुधवार को 643वीं जगतगुरु रविदास जी महा राज जन्म महोत्सव एवं प्रांतीय रविदासीय परिवार मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोडरमा जिले के सांत गांव थाना अंतर्गत ग्राम डुमरी में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।